सो गाइस, आज मैं आपको हजारों पी शर्ट नहीं, सिर्फ आपको 5 ऐसे लाइटरूम पी शर्ट देने वाला हूँ जिन्हें आप अपने फोटो पर कॉपी पेस्ट करके अपने फोटो को सिर्फ 1 क्लिक में एडिट कर सकते हो। क्योंकि गाइस, जब आप लोग कहीं से भी लाइटरूम पी शर्ट को डाउनलोड करके अपने फोटो पर कॉपी पेस्ट करते होंगे तो वो आपके फोटो पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। लेकिन गाइस, आज जो मैं आपको पी शर्ट देने वाला हूँ ये बिल्कुल रियल पी शर्ट है। अगर आप लोग इन्हें मेरी लिंक से डाउनलोड करके अपने फोटो पर कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपके फोटो पर 110% काम करेंगे। तो गाइस, ये पी शर्ट आपको कहाँ मिलेंगे और इन्हें कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो में मैं आपको कहीं पर भी बता सकता हूँ। तो बस मेरी आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये वाला पी शर्ट है, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और गाइस, यही पी शर्ट नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे पी शर्ट हैं यहाँ पर देख सकते हो, तो जिन्हें मैं आपको एक एक करके अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको इन्हें बता दूंगा कि इन्हें आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और इन्हें कैसे यूज करना है। ठीक है, सॉरी, यूज करके तो अभी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला पी शर्ट है, मैं इसी को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक नंबर से लेता हूँ, तो देखो नंबर 1 का ये पी शर्ट है। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इस वाले फोटो को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर पेज सेटिंग कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने खतरनाक तरीके से ये प्रीसेट काम किया है। एंड यहाँ पर मैं इस वाले प्रीसेट को लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 2nd नंबर पर 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसको भी मैं कॉपी कर लिया हूँ। एंड इसी फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से पेज सेटिंग कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ तोड़ ही नहीं है गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हम इसे और भी फोटो पर मतलब पेस्ट करें तो ये हर फोटो पर काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये वाला प्रीसेट है रेड वाला, तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसी फोटो को सिलेक्ट करता हूँ एंड 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर और भी प्रीसेट हैं। जैसे कि मैं ग्रीन वाले प्रीसेट को ले लेता हूँ, तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं इसी फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट सेटिंग यहाँ पर कर देता हूँ। तो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू इसी फोटो को क्यों ले रहा है और फोटो पर क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला फोटो है तो मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, तो इस पर भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग हर फोटो पर इसे पेस्ट करना चाहोगे तो हर एक फोटो पर ये काम करेगा। क्योंकि गाइस, ये प्रीसेट मैंने खुद से क्रिएट किए हैं आप लोगों के लिए। और गाइस, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जैसे कि ये वाला प्रीसेट है पिंक कलर, तो ये हमें मिलेगा ये नहीं। तो गाइस, ये जो है मैंने खुद से बनाया है। जैसे कि मान लो ये वाला प्रीसेट है, तो ये मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। जैसे कि मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैं इसी फोटो को ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ग्रीन फोटो है, तो मैं इस फोटो पर पेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये प्रीसेट जो है कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, और गाइस, अगर आपको इसे कलर को मतलब गाढ़ा बनाना है पिंक कलर को, तो आपको करना क्या है, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मिक्स टूल पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लिवनेस को डिक्रीज करके 0 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो 1st नंबर पर हैव वाली लाइन है, अगर आप लोग इसे आगे पीछे करोगे तो यहाँ पर जो है इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो यहीं से ही आप लोग अपने इसको कलर को ज़्यादा या गाढ़ा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और गाइस, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रीसेट आपको कहाँ मिलेंगे एंड इन्हें कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस, ये जो आप जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट पिन किया है और उसी में मैंने एक लिंक डाल दिया है।